किस तरीके से रात भर हंगामा चलता रहा, एक दूसरे की धक्का मुक्की, टेबल पर चढ़ना, बोतलें फेंकी गई हैं, सेब के खाए हुए टुकड़े फेंके गए हैं, तो ये सदन के अंदर मचे बवाल की तस्वीरें हैं। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये माननीय है, ये प्रतिनिधि हैं जो आप यानी जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन आलम कुछ ऐसा है कि शायद सड़क पर भी आप ऐसी तस्वीरें ना देखते हो जो आपने एमसीडी सदन के अंदर देखी है। कल रात भर यह हंगामा चला है, जमकर बवाल हुआ है, मेज पर चढ़कर, टेबल फेंककर, बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई हैं, जबरदस्त हंगामा सदन के अंदर। किस तरीके से एक दूसरे पर बोतलें फेंकी जा रही हैं, मेज पर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं ये लोग, वहां से निशाना साध रहे हैं। जरा देखिए दोनों ही तरफ से ये स्थितियां बनी हैं, ये प्रतिनिधि हैं। आप बस इतना समझिए कि ये प्रतिनिधि है जो आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन के अंदर पहुंचे हैं, और प्रतिनिधित्व के तौर पर ये क्या कर रहे हैं सदन के अंदर, सदन के भीतर, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। एक दूसरे पर बोतलें टेबल पर चढ़कर वहां पर रखे सामानों को फेंक रहे हैं, खाए हुए सेब को एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, वो चुनाव फिलहाल टल गया। आरोप और प्रत्यारोप अपनी अपनी जगह है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन यहां दोनों की प्रति, दोनों किस तरीके से वहां कर रहे हैं, दोनों पार्षद दोनों पार्टियों के, वो जरा देखिए आप। रात भर ये हंगामा चला, सुबह तक नारेबाजी हुई। आलम कुछ ऐसा हो गया कि रात में जो पार्षद है वो वहीं सोते हुए भी नजर आए, वो तस्वीरें भी सामने आई है, जमकर वहां पर नारेबाजी हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो कोई गीत गा रहा है, तो सदन के अंदर ये सब चल रहा है, जिससे दिल्ली शर्मसार हुई है वो तस्वीर देखकर, जब आप एक दूसरे के ऊपर बोतलें फेंक रहे हैं, वहां के सामानों को फेंक रहे हैं, जहां पर आपको सभ्यता के साथ बैठना चाहिए वहां टेबल पर खड़े होकर आप नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए हंगामा जो शाम 6 बजे शुरू हुआ था वो अब तकरीबन 14 घंटे हो गए हैं, और 14 घंटे की बात की अगर हम आपको यहाँ पे स्थिति अगर आपको दिखाएं तो आप ये देखिए कई सारे आपको यहाँ पर जो पार्षद हैं वो आपको सोते हुए नजर आएंगे, लेटे हुए नजर आएंगे, कुछ लोग टेबल पे ही सर रख के सो गए हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से सो गए हैं, चारों तरफ देखिए कुछ लोग फोन पे जरूर बात कर रहे हैं। ये कार्रवाई सदन की सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, पहले मेयर के चुनाव को लेकर के यहाँ पर काफी वक्त लगा, शाम के 6 बजे के बाद जब पूरा हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना शुरू हुआ, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ, और 12 बार से ज्यादा सदन जो है ये स्थगित की जा चुकी है। यहाँ पर आप देखिए कुछ सुरक्षाकर्मी जो है आगे की तरफ उन्हें तैनात किया गया है, कई बार धक्का मुक्की, एक दूसरे के ऊपर बोतल फेंकना, ये सारी कार्रवाई यहाँ पर चलती रही। और फिलहाल की स्थिति ये है कि आप देखिए यहाँ पर जो तमाम जो पार्षद हैं वो थक चुके हैं, क्योंकि लगभग उन्हें 24 घंटे होने को है जब वो यहाँ पर आए थे, वो डटे हुए हैं एक दूसरे की मांगों को लेकर के। और अब ये देखना होगा कि जब मेयर महापौर जब वापस आती हैं अपनी कुर्सी पर तो जिस चीज को लेकर के प्रतिरोध गतिरोध बना हुआ है वो आगे भी बना रहेगा या फिर उसका कोई हल निकलता है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस सदन की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती है। कैमरामैन दीपक विष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज।